दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द हड़प्पन साइट्स। ठीक है, हम मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हड़प्पन साइट्स हैं। इसके साथ ही हम इसकी थ्योरी देखेंगे जो कि थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं इसको। जो मैंने रेड कलर से, इससे पहले हम आपको बता दें, जो रेड कलर से हमने बनाया ये हमारी रिवर्स हैं। ठीक, आप देख सकते हैं। और बाकी जो ब्लैक कलर का है उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम रिवर्स देख लेते हैं। मैंने सारे रिवर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी हमने लिखी हैं। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कौन सी रिवर कौन सी है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ से हमारी इंडस रिवर स्टार्ट होती है। हमने आपको रिवर कई बार पढ़ाया है, बहुत चीज़ों में पढ़ाया है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इंडस है ये, इंडस से ये सतलुज रिवर गई है ये वाली। ठीक, फिर उसके ऊपर ये है क्या, रावी। फिर इसके ऊपर क्या है, छिनाब। ये वाली रिवर छिनाब है, ये यहाँ गई है। और ये इसके ऊपर क्या है, झेलम। ठीक, ये इंडस आगे चल के सतलुज, रावी और छिनाब और झेलम में डिवाइड होती है। फिर इंडस आगे यहाँ से यहाँ पे चली जाती है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे एंड मतलब यहाँ पे चली जाती है। और इधर से आए तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ नर्मदा रिवर की ओर लिखा है। फिर भी इधर की भी रिवर हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी। ये हो गया क्या हमारा, सोन रिवर, बेतवा रिवर और चंबल रिवर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये गंगा हो गया, ये यमुना हो गया। ठीक, ये रिवर्स तो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं शारदा करके। ठीक, और ये क्या हमारा, ये महानदी का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है आपको। ये महानदी हो गई, ये नर्मदा हो गया, और ये ताप्ती हो गई, तापी। और ये जो पार्ट आया है ये किसका है, गोदावरी का, और ये महानदी का पार्ट है। ठीक, तो इतनी होगी रिवर हमारी। और ये क्या हो गया हमारा, हेलमना रिवर। ठीक है, ये कहाँ पे, यहाँ पे है इधर साइड के एरिया में, पाकिस्तान के साइड में। तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ इम्पोर्टेंट रिवर हो गए जो कि हमारे यूजफुल में आएंगे। और इम्पोर्टेंट रिवर्स तो हमने कुछ लिखे ही हैं, बस उतना ही हमें ज़रूरत है। बाकी क्या है हमारा, बाकी हम शुरू करते हैं क्या, हड़प्पन साइट्स। तो पहला क्या हो गया हमारा, ये हो गया कालीबंगान। ठीक, जो कहाँ पे, पंजाब में है। और ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे स्टेट नहीं शो किया है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ये कहाँ पे, पंजाब में है। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, सांधना वाला, ये भी कहाँ पे है, ये भी पंजाब में है। ठीक, और फिर ये हो गया क्या हमारा, हड़प्पा हो गया, ये हड़प्पा हो गया। और यहाँ पे आए तो हड़प्पा हमारा कहाँ है, पाकिस्तान में शो किया गया यहाँ पे हमारा, दबर कोट। ठीक, दबर कोट कहाँ पे है, ये क्या है, पाकिस्तान में। ठीक, फिर इसके नीचे आए तो ये भी पाकिस्तान में हमारा क्या, जो देरी हो जो दाड़ो। ठीक, और फिर क्या है, ये वाला है, और ये क्या हमारा, लोहम जोताड़ो। ठीक, ये वाला। और यहाँ पे आए तो ऐसे करके, हाँ यहाँ पे आए तो क्या है, ये रोहिणी। रोहिणी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के थोड़ा ऊपर है। और ये क्या हमारा, इंडस रिवर के नीचे है क्या, मोहन जोताड़ो। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके नीचे क्या हमारा, कोट दीजिए। ठीक, कोट दीजिए हो गया, तीनों एक लाइन में है। अगर आप चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, आर एम के, आर मतलब रोहिणी, एम मतलब मोहन जोदाड़ो, और के मतलब कोट दीजिए। ठीक, तीन चार बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको, आर एम के। और ये तीनों हो गया हमारा। फिर यहाँ पे आए तो क्या हो गया, मेही, ये वाला है मेही। और ये क्या हमारा, निंदो। और ये क्या हमारा, अली मुरादाबाद। ठीक है, अली मुरादाबाद ये वाला है हमारा जो हमने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद यहाँ आए तो क्या हो गया हमारा, चानो दारू। ठीक, चानो दारू। और देसालपुर यहाँ पे हो गया, और ये क्या है, थारो। ठीक, ये है देसालपुर, ये हो गया थारो। और ये क्या हमारा, सोटका को। ठीक, और ये क्या है, सुतकागेन दौर। ठीक, सुतकागेन दौर। और ये वाला क्या हमारा, राजादी, ये वाला राजादी या रजादी आप जो पढ़ें। और ये हो गया हमारा रांगपुर। ठीक, ये
रामपुर हो गया, ये राजादी हो गया, और ये हो गया हमारा लोथल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोथल, इसको हम आगे थ्योरी में भी पढ़ेंगे एक बार। और ये क्या हो गया हमारा भगात्रव, ठीक भगात्रव हो गया ये वाला, मेरे ख्याल से सारा हो गया। तो ये सब हमने क्या देखा अभी, द हड़प्पन साइट्स हमने मैप में देखे, ठीक। अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया, एक बार हम फिर से रीड करके बता दे रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा। ये नर्मदा रिवर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंडस, सतलज, रावी और चेनाब, झेलम, और यहाँ पे हेलमना रिवर, ठीक। इतने रिवर्स हमने देखे, फिर हमने क्या क्या देखा, कुछ हड़प्पन साइट्स देखे। पहला है हमारा कालीबंगा जो कि पंजाब में है, और ये क्या हमारा संधना वाला, ये भी पंजाब में है। हड़प्पा ये हमारे पाकिस्तान में दिखाई मतलब है, और ये क्या है तबरकोट, उस समय यहाँ पे था, अभी भी यही है लेकिन अब डिवाइड हो गया भारत, ये हड़प्पन सिटीज की बात है। ये क्या हमारा तबरकोट, ये क्या हो गया हमारा जुदेरियो जोदाड़ो, और ये क्या हो गया हमारा लोहम जोदाड़ो, और ये हमारा रोहड़ी हो गया, ये हो गया मोहन जोदाड़ो, ये हो गया कोटदेजी, और ये हो गया मेही निंदो अली मुरादाबाद, और ये हो गया चन्हू चानू दारू, ठीक चानू दारू, और ये हो गया थारो, ये हो गया दिसालपुर, यहाँ पे लोथल हो गया, यहाँ पे देखे तो ये हो गया भगत्रव, और ये हो गया क्या हमारा रामपुर, ये क्या हमारा राजादी, ठीक। और ये तो बचता क्या हमारा, पहला हो गया सोटका को, और दूसरा क्या हो गया सुटकागेन दूर, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने मैप में देखी, और अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया जो था लगभग यहाँ से ऐसे करके आगे तक गया था, ठीक, लगभग ऐसे करके आगे तक गया हुआ है, ठीक, मैप में पूरा ये इतना एरिया दिखाई दे रहा है कहाँ पे, हड़प्पन साइट्स में। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंस थी जो हमने आपको बताया, इम्पोर्टेंट थी जो हमने आपको बताया। इसके साथ हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसकी थ्योरी, ठीक। पहले हम एक बार रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। तो अबाउट 80 ईयर्स एगो रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड टू कनेक्ट लाहौर विद कराची, टेकिंग द ग्राउंड द वर्कर्स फाउंड सम माउंट्स विद ब्रिक्स ऑन देम, दे सॉ दैट द ब्रिक्स वर ऑफ गुड क्वालिटी एंड द आर्कियोलॉजिस्ट डग अप द साइट नियर देयर, दे फाउंड सम आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर ओल्डर देन 3000 ईयर्स ऑन एक्सकवेशन। पहले हम इसको समझ लेते फिर आगे पढ़ते, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, अबाउट 80 ईयर्स एगो 80 साल पहले रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड टू कनेक्ट लाहौर विद कराची, लाहौर से कराची को जोड़ने के लिए 80 साल पहले रेलवे लाइंस क्या थी, बिछा दी गई थी, ठीक, बिछाया जा रहा था 80 साल पहले लाहौर को कराची से जोड़ने के लिए, ठीक, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। डिगिंग द ग्राउंड मतलब जमीन को खोदने पर द वर्कर्स फाउंड सम माउंट्स विद ब्रिक्स ऑन देम, वर्कर्स ने क्या पाए, कुछ माउंट्स पाए, माउंट्स मतलब टीले, अगर आप जानते हो आप जानते होंगे शायद, माउंट्स मतलब टीले जो होती है वो पाई गई वर्कर्स के द्वारा, जब जमीन की खुदाई हुई तो उसमें कुछ माउंट्स पाए गए, टीले पाई गई, जिसमें विद ब्रिक्स ऑन देम उसमें ईंटे लगे हुए थे। दे सॉ दैट द ब्रिक्स वर ऑफ गुड क्वालिटी, जो ईंटे थे हमारे वो मतलब टीले के वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक। एंड द आर्कियोलॉजिस्ट डग अप द साइट नियर देयर, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खुदाई की कहाँ पे, साइट के नियर आसपास, ठीक, दे फाउंड सम आर्टिफैक्ट्स व्हिच वर ओल्डर देन 3000 ईयर्स एगो पुरानी मतलब 3000 साल पुरानी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स पाई, कला आकृतियां पाई, जब उन्होंने साइट के आसपास खुदाई की, किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। सिंपल सी बात इसमें क्या देखी हमने, 80 साल पहले कराची को लाहौर से जोड़ने के लिए क्या बिछाया गया, बिछाई जा रही थी क्या, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, जमीन की खुदाई करने पर वर्कर को क्या मिला, कुछ टीले मिले जो जिसमें ईंटे लगे हुए थे, और वो उन्होंने देखा, ठीक, उन्होंने देखा क्या, ब्रिक्स आर मतलब गुड क्वालिटी, जो ईंटे थे बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट के आसपास खुदाई की तब उन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत
3000 साल पुरानी कला आकृतियां वहां पे पाएगी। ठीक, आगे देखते हैं पैराग्राफ में। ऑन एक्सकवेशन दे फाउंड एन एंटायर सिटी व्हिच वाज बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड 4700 ईयर्स एगो। द आर्टिफैक्ट्स बिलीव टू हैव नहीं सॉरी द आर्टिफैक्ट्स रिवील्ड अ हिस्टोरिकल इवेंट। द आर्कियोलॉजिस्ट हैड दस अनअर्थेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब ऑन एक्सकवेशन खुदाई करने पर दे फाउंड एन एंटायर सिटी व्हिच वाज बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड 4700 ईयर एगो। मतलब वहां पे पूरी एंटायर सिटी ही पाई गई जो बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड, हम विश्वास कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती थी 4700 ईयर एगो साल पहले। मतलब 4700 ईयर एगो वो एग्जिस्ट करती थी, पूरी एंटायर सिटी ही पाई गई। द आर्टिफैक्ट्स रिवील्ड अ हिस्टोरिकल इवेंट। जो वहाँ की कलाकृतियाँ थी वो क्या दिखाती थी, हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाती थी। ठीक, जो इतिहास की घटना है उसे दिखाती थी, व्यक्त करती थी कौन कलाकृतियाँ उस समय की। द आर्टिफैक्ट्स द आर्कियोलॉजिस्ट हैड दस अनअर्थेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट हैड अनअर्थेड पता लगा, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट का पता लगाया। मतलब भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पता लगाया, ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट को पता लगाया, एक ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट का पता लगाया। ठीक, द हाँ ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट जो पहले की ओल्डेस्ट अर्बन सिटीज थी, सेटलमेंट थी, उनका पता लगाया किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में अनअर्थेड मतलब पता लगाया। ठीक, दिस एरिया हैड अ लोकल नेम मोहनजोदाड़ो गिवन बाय द लोकल पीपल्स इन सिंधी। दिस वर्ड मीन्स द माउंट ऑफ द डेड। ऑन फर्दर एक्सकावेशन द ट्विन सिटीज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड। दिस स्टार्टेड अ न्यू फेज इन द इंडियन हिस्ट्री। अंटिल देन इट वॉज बिलीव दैट ओनली मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट हैड अ रिच हिस्टोरिकल पास्ट विद फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन, बट नाउ इवन इंडियन कुड क्लेम टू हैव सच अ रिच पास्ट वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये क्या कह रहा है, दिस एरिया हैड अ लोकल नेम। जो ये एरिया खोजा गया था किसका, ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट का, उसका नाम क्या था, एक लोकल नेम कहा गया जी। दिस एरिया हैड अ लोकल नेम, इसका एक लोकल नाम था, किसने, क्या नाम था उसका, मोहनजोदाड़ो नाम था। ठीक, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था, उसका नाम क्या था, मोहनजोदाड़ो, और वहाँ के लोकल पीपल के द्वारा ये नाम दिया गया था मोहनजोदाड़ो इन सिंधी। दिस वर्ड मीन्स सिंधी भाषा में, ठीक आप जानते होंगे सिंधी भाषा जब हिंदी कही जाती है सिंधी, दिस वर्ड मीन्स द माउंट ऑफ डेड। सिंधी भाषा में अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड। माउंट मतलब टीले, डेड मतलब मृत की टीले। ठीक, माउंट ऑफ द डेड मृत की टीले। ऑन फर्दर एक्सकवेशन और खुदाई करने पर, मतलब खुदाई करते रहने पर, द ट्विन सिटीज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड। खुदाई करने पर और क्या मिला, दो सिटीज मिली, कौन कौन सी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो खोजा गया। ठीक, और खुदाई करने पर, दिस स्टार्टेड अ न्यू फेज इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक, इससे हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक नया फेज स्टार्ट होता है। ठीक, अंटिल देन इट वॉज बिलीव दैट, अभी तक यही माना जाता था कि ओनली मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट हैड अ रिच हिस्टोरिकल पास्ट। मतलब अब तक यही माना जाता था कि मात्र मेसोपोटामिया और इजिप्ट के पास ही हैड अ रिच हिस्टोरिकल पास्ट, इनके पास ही एक हिस्टोरिकल मतलब समृद्ध, एक समृद्ध हिस्टोरिकल पास्ट है। ठीक, विद फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन, और समृद्ध सभ्यता के साथ इनके पास क्या है, हिस्टोरिकल पास्ट है। ठीक,
मतलब अब तक यही माना जाता था कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट के पास ही एक ऐसा इतिहास है जो समृद्ध सभ्यता और समृद्ध इतिहास को दिखाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? इवन इंडिया कुड क्लेम टू हैव सच अ रिच पास्ट वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ठीक, लेकिन अब भारत भी ऐसा दावा करता है कि, यानी हमारा देश भी ऐसा दावा करता है कि हमारे पास भी ऐसा समय था या है। ठीक, मतलब पास्ट भी हमारा समृद्ध सभ्यता वाला और अच्छे इतिहास वाला था। क्या हमारा वो भी देख लेते हैं आगे। हथियारी में हमारे द हड़प्पा कम्युनिटी बिकम फुली अर्बनाइज्ड अब अराउंड 2500 BC। द मेन सिटीज दैट डेवलप्ड वर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कनेरवाला, पाकिरगढ़ हिल और धोलाविया एंड लोथल। ठीक है, ये कह क्या रहा है, मतलब द हड़प्पा कम्युनिटी बिकम फुली अर्गनाइज अराउंड 2500 BC। 2500 BC तक जो हड़प्पा कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से संगठित हो गई थी। आगे है द मेन सिटीज, यहाँ के जो मेन सिटीज थे वो कौन कौन से हैं, दैट डेवलप्ड वर, जो डेवलप्ड हुए वर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गए और गनेरवाला हो गया, पाकिरगढ़ हिल हो गया और धोलाविया एंड लोथल। लोथल आ गया यहाँ पर भी, हमने मैप में भी देखा था इसको। लेट अस नाउ, इसे हमें जानना चाहिए क्या, हमें जानना चाहिए मतलब नॉर्मली हमें ये जानना ही चाहिए क्या अपने इतिहास के बारे में। द हड़प्पा सिटीज हैज टू मेन पार्ट, हड़प्पा सिटीज के पास क्या है, दो मेन पार्ट है, कौन कौन से, द सिटीडल यानी जो किलो का एरिया है वो वाला सिटीडल एंड द लोअर टाउन और कुछ लोअर टाउन। ठीक है, ये तो पार्ट में डिवाइड है, हड़प्पा सिटीज दो पार्ट है इसके, हड़प्पा के एक किला वाला और एक लोअर टाउन वाला। द हड़प्पन सिविलाइजेशन का बड़ा लार्ज पार्ट, ये तो नॉर्मल बात है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था उसने बहुत लार्ज पार्ट को कवर करके रखा हुआ था। सॉरी, द हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद अदर सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन पीपल थे वो ट्रेड व्यापार करते थे किसके साथ, अलग जो सभ्यताएं थी उस समय हड़प्पन के पीपल, अगर उस समय और भी सभ्यता थी, हमारी केवल हड़प्पा ही सभ्यता नहीं थी, तो यहाँ के जो पीपल थे वो उनके साथ व्यापारिक संबंध करते थे, रखते थे। ठीक, इट इज स्टिल अनसर्टेन हाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ड्रिफ्ट आउट, ये अभी तक अनिश्चित है कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी तक डूबा रहा या फिर अभी तक क्यों नहीं है बाहर आया। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी थ्योरी खत्म होती है और ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है इसी के साथ। तो हमने मैम में भी देखा जो पढ़ा, बाकी चीजें हमने कहाँ पे देखी, थ्योरी में कुछ ज्यादा पार्ट था हमारा, थ्योरी का पार्ट बहुत ज्यादा रहा, लेकिन बहुत अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ और भी सारे वीडियो हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीधी बात। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है, हमने मैथ में भी देखा और थ्योरी भी पढ़ी, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।